केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए निजी व सरकारी अस्पताल सहित जिले में 244 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें नागपुर शहर में 81 और ग्रामीण में 163 केंद्र बनाए गए। टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन और मनपा ने पूरी तैयारी कर ली है। 6 लाख लोगों के टीकाकरण के लिए केंद्र बढ़ाए गए हैं। नागपुर में अब तक 218,528 नागरिकों ने टीका लगवाया है। इसमें 37,443 स्वास्थ्य सेवक, 25,057 फ्रंटलाइन वर्कर, 60 वर्ष से अधिक उम्र के 1,02,555 नागरिक व विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 32,195 नागरिकों को टीका लगाया गया। 1 अप्रैल से टीकाकरण मुहिम अंतर्गत लगभग 6 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महापौर दयाशंकर तिवारी व मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी ने टीका लगवाने की अपील नागरिकों से की। इस दौरान टीका लगा रहे लोगों से BCN न्यूज की टीम ने संवाद साधा, जिस दौरान उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। मला असे वाटते की परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे अशा प्रत्येक न्यूज चॅनलवर आपण ऐकतो आहे। रोजचे 3,000 वरती नागपूरमध्ये पेशंट्स येऊन राहिलेले आहेत। प्रत्येकांनी स्वतःची काळजी घ्यायला हवी। सरकार जे म्हणते ते सर्व नागरिकांनी ऐकायला पाहिजे। सरकारने जे बंधनं टाकलेले आहेत ते नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठीच टाकलेले आहेत असं मला वाटतं। आणि मी प्रत्येक नागरिकांना आवाहन करतो की तुम्ही स्वतःचा जीव वाचवा, प्रत्येक पद्धतीची काळजी घ्या, विटॅमिन्स खा सतत, आणि स्वतःचे डॉक्टर जे म्हणतात आहेत फॅमिली डॉक्टर्स त्यांचे सजेशन्स ऐका। लसीकरण देशामध्ये जे बहिणींची संख्या जी वाढत आली झालेली आहे, रोज आपण वर्तमानपत्रामध्ये म्हणजे वाचतो आहे, न्यूज चॅनलमध्ये पण बघतो आहे की 3,000-4,000 हे एकेका दिवशी वाढत चाललेले आहेत। जसे पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, अकोला, तर याच्यावर काहीतरी पंतप्रधान माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी जे व्यापक मोहीम राबवलेली आहे याच्यामुळे की आपण यशाकडे वाटचाल करत आहे आणि कोरोनावर 100%च्या जवळपास आपण नियर अबाउट पोहोचलेलो आहे। आणि मी सर्वांना असं आवाहन करीन की सर्वांनी लसीकरण घ्यायला हवं। एक ही बात बोलूंगा की भाई हर इंसान ने वैक्सीन लेना चाहिए, उसमें तो अपनी खुद की जिंदगी बचती है। मैं अभी लेने को आया हूँ, ऐसा पूछताछ करने आया था, गर्दी नहीं थी कि ले लिया। बता दें कि मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक दिखाकर टीका लगवा सकेंगे। कोविन ऐप पर पंजीयन कराना होगा। ऑनलाइन पंजीयन में अड़चन आने पर जोन कार्यालय में जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। मानेवाड़ा स्थित शाहू गार्डन के पास प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, संजय नगर हिंदी मनपा शाला के पास डिप्टी सिग्नल स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC न्यूज नागपुर।